अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड, माजरत के साथ आपका अपना भाई समी आतिफ। कितने दिनों से कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि यार मैं बहुत बिजी था अपने कारोबार में और ज़रा थोड़े और भी, आपको पता है इंसान की ज़िंदगी में मसरूफियात होती हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके लिए कोई डेली व्लॉग। रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कोई व्लॉग नहीं बना रहे, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्या चाह रहे हैं आप ज़िंदगी में। मैं कह यार बस आज या कल में इंशाल्लाह आपके लिए कोई व्लॉग लेके आते हैं। ठीक है, आज का व्लॉग ज़रा थोड़ा सा हमारा है अरफात की ग्रैंडी के ऊपर। नीचे लग रही है गाड़ी, दर्द होता है हर साइड पे। अच्छा तो यार मैं गाड़ी के बारे में आपको जरा थोड़ा बताता जाऊँ। ये ग्रैंडी 2014 मॉडल है, ठीक है, इसको सारा फेसलिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसकी आगे ये लाइट्स भी फेसलिफ्ट वाली लगी हुई हैं, बम्पर भी, इसको ग्रिल भी फेसलिफ्ट वाली लगी हुई है, मॉन्ट ब्लैक पेंट है इसके अंदर, ठीक है, अंदर फ्लैशेज लगे हुए हैं। उसके अलावा ये कार्बन फाइबर ऊपर वाले कवर्स लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, रिम लगा वॉजन सीरीज़ का रिम है इसके अंदर, वॉजन सीरीज़ का, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी की बैग चेक करो आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी है बैग, स्पॉइलर लगा हुआ है ऊपर, जो स्क्रीन स्पॉइलर है वो लगे हुए हैं गाड़ी पे, काफ़ी चीज़ें लगी हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी को ना प्यारा बनाती हैं, ठीक है। अगर आपने पैंट कोट पहने, आपने टाई नहीं लगाई तो यू आर नॉट लुक लाइक अ जेंटलमैन। गाड़ी के अंदर से आपको दिखाता जाऊँ, यार गाड़ी में तो टेडी बियर ही टेडी बियर है। अच्छा ये भी टेडी बियर छुप के बैठा हुआ गियर के पीछे। उसके अलावा गाड़ी के अंदर टेस्ला है, ठीक है। गाड़ी 1.8 अच्छी गाड़ी है, ग्रैंडी मेरे तो ख्याल से ग्रैंडी ना सिविक से ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी ड्राइव जो है ना रफ एंड टफ है, आपको तंग नहीं करती, थकाती नहीं है जल्दी। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपने भी पेंट करानी हो ना तो आपने कोशिश की नहीं यहाँ जिक्र करवानी है, ताकि कल को जब आपने बेचनी हो तो आप इसको वाइट करके दोबारा बेच सके, ठीक है। 4K से करवाया था मैंने पेंट, ठीक है। इसको रिम की प्रोफाइल इसकी देखते हैं क्या, मैं पहली दफ़ा देखने लगा हूँ। 205/40 है, सॉरी हाँ 205/40 17 टायर है। उसके अलावा गाड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी, अभी गाड़ी की सही शाइन नहीं निकली, इंशाल्लाह इसकी और शाइन निकलेगी, ठीक है। फिर दर्द हुआ, कोई बात नहीं, जितनी लगेगी हम मारेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो यार कार गाइस, तो कार गाइस के लिए चीज़ें आम होती है, मेरे लिए खुद आम थी, मेरे पर रीबॉर्न होती थी, मैं रीबॉर्न भी रगड़ता ही लेके जाता था। आज का हमारा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने अब आप जाकर 7 सीरीज़ भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने BMW 7 सीरीज़ परचेज़ की है, 5 सीरीज़ मैंने बेच दी हुई है, ठीक है। एक और स्पीड ब्रेकर आ गया, हम फिर मारेंगे, कोई बात नहीं, फिर लगी है। अच्छा वो 5 सीरीज़ मैंने बेच दी थी, 7 सीरीज़ मैंने ली थी, ठीक है। 7 सीरीज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी, वालेकुम अस्सलाम, 7 सीरीज़ बहुत अच्छी गाड़ी है। 5 सीरीज़ के मुझे 6 पैसे मिले, मैं कहा चलो यार अच्छे पैसे मिले मैं गाड़ी दे देता हूँ। आज मैंने अपनी सिल्वर BM के पास भी जाना है, 7 सीरीज़ भी देखनी, सॉरी 5 सीरीज़ से इतनी मोहब्बत है मुँह से निकल जाती है, 7 सीरीज़ भी देखनी है, ठीक है। और BM के पास 3 सीरीज़ के पास भी जाना है, वो रियान की वर्कशॉप खड़ी है, और दूसरी जो 7 सीरीज़ है वो मुनीब भाई के पास खड़ी है। A few hours later. गाड़ी तो भी सारी खुली हुई है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते पैक करेंगे, आपको देंगे। अभी आपको कहीं से 7 सीरीज़ नहीं लग रही होनी, लेकिन यार बिलीव ये 7 सीरीज़ के ऊपर देखे मोनोशन हो। बाकी इंशाल्लाह आस्ते आस्ते पैक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। छोटे मोटे काम थे इसके, वो क्लियर कर रहे थे, तो मैं वैसे इस्लामाबाद पिछले दिनों होके आया, बड़ा गाड़ी में मजा आता है। हमने इसका तवा शवा खोला हुआ है, ठीक है, और ये इसके ब्रेक पैड निकालने, दरअसल हमने इसकी ना PCD कन्वर्ट करनी है रिम लगाने के लिए। रिम लगाएंगे हम इसको, 19 का रिम है, और जो अभी उतारा है वो 18 का है। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं, इसका शौक और ये जो इसका तवा है BM है, BM की क्लास है। बाकी यार जर्मन ने भी चीज चंगी बनाई यार। ये भी लाइट शेड हमने खोल दिया इसकी BM की, इसके ना हल्की नहीं मिलती, देख सकते हैं ये शीशे का है, किसका शीशे का, ये शीशे का है, ये प्लास्टिक नहीं है, शीशा है इसके अंदर, ये देखें आप, आपको पता चलना होगा शीशे का आता है। एक तो खुल गया, एक आपको दिखाता हूँ, शीशा वगैरह सारा खराब हुआ है, बाकी दूसरी का भी आपको चेक करवाते हैं जो खुलती है। लेकिन ना मेरे तो ख्याल से इस दफ़ा गुजारा हो जाएगा, अगली दफ़ा इसकी शीशे नहीं मंगवाने पड़े। तीन माने खुशी सी हो रही है, जैसे एक नई चीज़ देखने को मिल जाए, कोई लाइट खोल लें, कोई बम्पर खोल लें, कोई सेंसर खोल लें, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है इन फ्रंट। मतलब पाकिस्तानी कोई गाड़ी खोले ना तो उनका वो सिस्टम नहीं है। अब हमने ना इसकी लाइट खोल दी तो उसके हर चीज़ का एक अलग मॉड्यूल है, एक अलग मतलब चीज़ें ही लग गया। मैं आपको कैसे तो गाड़ी के अंदर से थोड़ा दिखाता है जो क्या फील आती है,
किस तरह का इंटीरियर है, क्या मतलब इसके फंक्शन है, कंप्लीट रिव्यू दूंगा बाद में दूंगा, लेकिन वैसे आपको छोटा सा गेड़ा करवा दूं। बाकी फील तो जारी सी बात है मुझे आ रही नहीं, आपको तो आनी नहीं, लेकिन अगर आप बाकी कार के आपको पता चल जाएगा कि बाकी BM लव है। अपनी BM लेने अब तो जाके आपको दिखाते हैं दंपत दंपत प्रगतम करेंगे हम उधर जाके करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखो एक मिनट वेट करो गाइस, इस टाइम स्ट्रीट परफॉर्मेंस ग्राज पहुंच चुके हैं। रियान बुआ खुल गया, हमने खोल लिया, हम जा रहे हैं अपना गाड़ी के पास। वो देखें रियान शाटी, नहीं 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 ये क्या कह रहा है? इंजन खोल रहा है। कौन सा इंजन का मेरे नाम बता। BZ GT देख यार गाड़ी क्या है मेरी। अच्छा ये भी कपड़े में डाला हुआ है, ये क्या? ये 2ZZGT है, ये 2GR है, बिग यार। इस टाइम ध्यान की वर्कशॉप पहुंच चुके हैं, यू नो ये वही भाई हैं जिन्होंने डिफिनिट आया अपना पार्किंग में, बड़े मशहूर हो गए। 30 रुपए दिए मैंने पेट्रोल का बस, तो बाकी किसे डलवाया? बाकी हाजी था, हां फैसल भाई। 1JZGT गॉन। अच्छा उसके ने डाला क्या? सही है बेच दिया। उसके ने क्या डाला? 3U चेक करते हैं। ये भी 3U यार, मैं सैयद की गाड़ी, वो भी 3U डाला। ये इसने मेरे ख्याल से पुरानी क्रसीडा वापस बना ली जिसमें पहले 3U था, क्योंकि जब ये पहले गाड़ी बोन स्टॉक क्या रही थी इसमें 3U ही था। मारी जरा सलाफ अलाइव है देख ले, V8 है भाई। उतार कपड़ा, नहीं होना टाइट नहीं होना यार। टायर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जिसकी वजह से मैंने ना कोई बर्न आउट मारा ना कोई टेल मारी है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगले कंटेंट में आपको दिखाएंगे। चल BATM ले आया रेहान की वर्कशॉप से, बाकी आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। आज के ब्लॉग के लिए इजाजत दें, अच्छे ब्लॉग और अच्छा कंटेंट दिखाऊं। जाकल्ला मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।